हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर में। इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं बीएसएफ में जो रिक्रूटमेंट निकलने वाली है 2019 के बारे में बताऊंगा, क्या योग्यता होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सामने जो बेल आइकन है तो उसको दबा लीजिएगा। बेल आइकन दबाने के बाद जितने भी सारे मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन है, सब वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम बाई टाइम पहुँच रहेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बीएसएफ के हेड कॉन्स्टेबल एएसआई रिक्रूटमेंट 2019 जो निकलने वाली है उसके बारे में दिया गया है। तो इसमें जो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप किसी भी बोर्ड से 12वीं पास हैं तो आप इसे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो इसमें दिखाया है कि इसमें जो आपको पोस्ट मिलेगी वो होगा एसआई में, होगा एसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेंगी लगभग 157 से लेकर 200 पोस्ट के अंदर ये वैकेंसी लग ली, यानी 157 वैकेंसी लेकर 200 वैकेंसी के अंदर एसआई स्टेनोग्राफर की। जानते हैं कि इसमें एसआई स्टेनोग्राफर में आपको टाइपिंग आना बहुत ज़रूरी होता है, लगभग 120 क्वेश्चन पड़ेंगे। इसमें आपको 35 पर मिनट के हिसाब में टाइपिंग करना होगा दोस्तों। और देखिए इसमें जो आपको पोस्ट मिलेगी लगभग 60% इसमें वैकेंसी जो होगा वो फीमेल के लिए होगा। इसका पहले एग्ज़ाम होगा दोस्तों, कि ये एग्ज़ाम अभी भी देखा है कि एसएससी के एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होता है, पहले इसका भी एग्ज़ाम होगा दोस्तों। तो एग्ज़ाम की बात करें तो इसका कोई रूल, बहुत सारे रूल हैं इसके एग्ज़ाम के। इसमें आपकी पास 120 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में सबसे पीटी होगा, पीटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद आपकी जो स्पीड होगा स्टेनोग्राफर की उसमें कितने हो जाए वो बताएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा दोस्त। अगर योग्यता की बात करें तो एसआई के लिए, योग्यता की अगर बात की जाए तो दोस्तों एसआई के लिए लगभग आपको 18 से 25 साल होनी चाहिए। एसी रिलैक्सेशन में मिलेगा ओबीसी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 5 साल और एसटी और एससी कैंडिडेट के लिए लगभग 5 साल की छूट दी जा रही है। इसके अगर मार्किंग की बात करें तो उसमें सभी लैंग्वेज की एग्जाम होंगे, जैसे कि हिंदी और अगर लैंग्वेज की बात करें तो लगभग आपको सब लैंग्वेज में एग्जाम होगी, लगभग बंगाली, इंग्लिश, हिंदी तीन लैंग्वेज में ये एग्जाम होगी। लगभग आपको मिनिमम क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो है 120 या 100 के अंदर क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग में है दोस्तों, इसमें 1/3 था नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। अगर आप 2 मार्क क्वेश्चन करेंगे, 1 गलत करेंगे आपके 1 मार्क कट जाएंगे। अगर इसमें आपको पास होना है तो आपको जनरल कैंडिडेट के लिए इसमें आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जनरल कैंडिडेट के लिए 38% मार्क लाना जो बहुत ज़रूरी है और एसटी कैंडिडेट के लिए 33 लाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद करते हैं मैथमेटिक्स में भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथमेटिक्स में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर 100 क्वेश्चन आप कर सकेंगे तो ज़रूर इसमें क्वालिफाई कर सकेंगे। 100 क्वेश्चन में से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के। उसके बाद फिजिक्स देख पा रहे हैं, फिजिक्स
फिजिक्स में आपके लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 में से 50 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के, हिंदी में जीके भी, केमिस्ट्री में भी आपका जो क्वेश्चन आएगा वो होगा लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे किसके, केमिस्ट्री के। इसके बाद इंग्लिश और हिंदी के भी आपका जो क्वेश्चन आएगा वो है 50 आएंगे, 50 या 100 आएंगे। टोटल अगर पोस्ट भाग जो तो फीमेल के लिए इसमें देख पा रहे हैं दोस्तों बहुत बड़ी बम्पर है ये कोई ऐसा न्यूज नहीं कि फेक जानकारी दे, इसके ऑनलाइन भी स्टार्ट होने वाली है इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें फीमेल की जो वैकेंसी होगा देख पा रहे हैं स्क्रीन में 200 वैकेंसी फीमेल के लिए, और मेल के लिए अगर बात की जाए तो लगभग 4000 पोस्ट मिल रहा है, तो बहुत बड़ी मौका है आपके लिए जॉब करने का। अगर टोटल अगर सबको मैथ डोमेस्टिक केमिस्ट्री जितने भी सारे सब्जेक्ट सबको मिला दिया जाए तो जो आपको आपका जो एग्ज़ाम होगा वो है 150 मार्क का लगभग। अगर इसमें आपको क्वालिफाई करना है तो लगभग 100 नंबर तो जरूर लाना होगा, अगर 100 नंबर नहीं लेंगे तो उसमें आप क्वालिफाई नहीं करेंगे दोस्तों। तो यही था मेरे कुछ इन्फॉर्मेशन, और भी बहुत सारी नॉर्मलाइजेशन में लागू होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने कहते हैं नॉर्मलाइजेशन लागू होगा नहीं, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन लागू हो सकता है। उसके बाद होगा एग्ज़ाम होने के बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोस्तों, और स्किल्स टेस्ट जिसमें आपकी जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह वगैरह की जाती है होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल वगैरह वगैरह, मेरिट लिस्ट आपका जब सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा तब आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो यही था दोस्तों, इसके लिए आपको जरूर 12वीं पास होना जरूर चाहिए, तो अगर आप 12वीं पास हैं तो इस वैकेंसी में जरूर अप्लाई कर सकेंगे, जरूर कर सकेंगे। इसके फीस की बात करेंगे एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लगेगा, और जनरल स्टूडेंट के लिए और ओबीसी स्टूडेंट के लगभग 50 रुपये फीस लेंगे दोस्तों। इसकी ऑनलाइन डेट लगभग मार्च या मई में, इसकी मार्च से लेकर मई महीने तक इसकी नोटिफिकेशन आ गई है, इसके ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गई है। तो प्लीज़ अगर आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे एक्साइटेड वीडियो और जॉब से रिलेटेड वीडियो मैं लेते आता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो सपोर्ट मिलेगा, और अगर नया वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलेगा कि मेरा वीडियो का किसी में असर हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसे ही मैं एक्साइटेड वीडियो और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा, तो प्लीज़ इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन नहीं दबाए तो प्लीज़ बेल आइकन, और नए जितने सारे भी कैंडिडेट हैं इसको जरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।